अगर एक चार्ज को अपने इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते थे तो कोई कंडीशन अप्लाई नहीं था, बस तुम चार्ज को प्लेस कर दिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो है फिजिक्स, क्यूई, बात खत्म। फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो जाएगा। ये वाला बात आप सीखें। इन केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इट इज नॉट लाइक दैट। इन केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फोर्स में एक पैरामीटर जुड़ जाता है, उसको बात ध्यान सुनना भी ठीक से एकदम। तो अगर एक चार्ज को अगर अपने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अगर मिला के अगर प्लेस अगर करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से फोर्स लगेगा क्यू ई वेक्टर, और अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसके वजह से फोर्स लगेगा क्यू वी क्रॉस बी। ये दो चीज हो गया। अब अपना ये जब तो अपने समझ चुके हैं पहले पहले बार जब पढ़े थे तब कि एफ इज इक्वल टू क्यू ई, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग फोर्स लगना तो क्यू ई हो गया। ये एक नया चीज आया, ये दोनों को जोड़ करके जो अपने फोर्स बोलते हैं इसका नाम है लोरेंट्स फोर्स। द सम टोटल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ पार्टिकल इज लोरेंट्स फोर्स। वी राइट इट एज क्यू ई वेक्टर प्लस वी क्रॉस बी। अपने अभी सारा ध्यान मैग्नेटिक फोर्स के ऊपर लगाएंगे, फिर बाद में देखते हैं दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ देंगे। तो जब अपने बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, तो ये किस किस बात पे डिपेंड करेगा इसको सोचते हैं अपने एक बार। एक बात एकदम श्योर शॉट है कि अगर वेलोसिटी अगर जीरो हुआ तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ही नहीं, कोई काम का ही नहीं है। इफ द पार्टिकल इज एट रेस्ट तो मैग्नेटिक फोर्स किसी काम का नहीं है, वो उसको मोशन में ला ही नहीं सकता है। अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अगर साथ साथ प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल को पहले मोशन प्रोवाइड करेगा और उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड कुछ फोर्स लगा पाएगा। लेकिन अगर एक रेस्ट पे अगर एक चार्ज को रख दिया गया है और एक मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन कर दिया गया और बोला गया कि वो उसको मूव करा दिया, तो ये होएगा ही नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाने के लिए नेसेसरी है कि वहां पे वेलोसिटी वेक्टर प्रेजेंट हो। वेलोसिटी वेक्टर इज नॉट प्रेजेंट देन मैग्नेटिक फोर्स कैन नॉट एक्सर्ट एनी फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल। इट कैन नॉट एक्सर्ट एनी फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल इफ द पार्टिकल इज स्टेशनरी। ये वाला बात सबसे पहले समझ लिया जाए कि इफ अ पार्टिकल एट रेस्ट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड नो फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन इट बाई मैग्नेटिक फील्ड। ये वाला बात दिमाग में रहे। मैक्सिमम फोर्स एक्सर्ट होगा अगर वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जो कि इसका फॉर्मूला को खोलेंगे तो जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा, और साइन थीटा का वैल्यू वन होगा 90 डिग्री पे, मतलब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये वाला बात समझ में आ रहा है? तो इससे अपने अगले बात पे अगर आए तो अपने बोलते हैं कि इफ वेलोसिटी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, तो अपने लिखते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी बी। ये आएगा, और इस केस में जो फोर्स होगा दिस इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर एंड इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। क्या बोलते हैं? अगर इसको अपने आई क्लियर हो गया तो आई क्रॉस तो आएगा के कैप, तो के कैप इज परपेंडिकुलर टू आई कैप एंड के कैप इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू जे कैप। अरे बात ठीक है ना? फोर्स से जनरेट होता है एक्सीलरेशन। जिस भी डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा उस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा एक्सीलरेशन। तो वी कैन ऑल्सो से
that acceleration vector is perpendicular to velocity vector and acceleration vector is perpendicular to magnetic field vector. अब जैसे ही ये perpendicular वाला बात आता है, क्या क्या बात conclude कर सकते हैं? पहला बात मैं ये conclude कर सकता हूं कि क्योंकि F is perpendicular to V, then we can say that dot product of force and velocity vector is zero. F dot V का मतलब हो गया power. मतलब क्यों हो गया? Power का value is zero. Power due to magnetic field is zero. Power is rate of doing work, यानी कि dW by dt is zero. मतलब kinetic energy is constant. तो इससे अपने इतना सारा बात conclude कर सकते हैं. पहला बात ये conclude कर देते हैं, magnetic field do not perform any work, कोई काम नहीं करता, और work done by magnetic field zero. Work done is change in kinetic energy. तो अपने यहां से एक बात लिखते हैं, that change in kinetic energy is zero. तो इसका मतलब हो गया, that is speed of the particle in the magnetic field remains constant. Speed remains constant, velocity can change. अगर half mv square में आप velocity vector का square थोड़ी करते हो, आप speed का square. Speed of the particle in the magnetic field remains constant. Velocity can change because of the change in direction. Direction बदलने के वजह से velocity का vector change होगा. Velocity vector can change. ये सारा बात अपने निष्कासित करते हैं, डॉट वी जीरो होगा. इसका और इसका कोई खास सिग्निफिकेंट नहीं आता है, लेकिन अगर मैथमेटिकली अगर पूछ लिया जाए किसी सवाल में, तो ये ए डॉट बी का वैल्यू जीरो कर देना, एफ डॉट बी का वैल्यू जीरो कर देना, ये सारा काम आएगा. ठीक है ना? क्योंकि ज्यादातर पढ़ाया ही जाता है तो इसके ऊपर ध्यान ज्यादा रहता है. अचानक से एक सवाल पूछ लेगा कि एक्सीलरेशन ऐसा था और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा था, उसमें कोई एक टर्म एब्सेंट कर देगा, मतलब एक्सीलरेशन दे देगा 4i कैप 3j कैप और मैग्नेटिक फील्ड में xi कैप 4j कैप, तो x का वैल्यू बताइए, तो डॉट करके जीरो करती हुआ x का वैल्यू आ जाएगा, और कुछ और मत सोचना, डायरेक्टली ये वाला बात हो जाएगा. इसके ऊपर अगर अपने आए, एक्सीलरेशन वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू v वेक्टर, इससे अपने क्या बात प्रूफ बोलते हैं? This implies that A is zero, और ये तब होता है when the particle is moving in circular path. When the particle is moving in circular path. तो ये वाला बात और ये वाला बात मिला करके अपने बोलते हैं that a charged particle magnetic field will perform uniform circular motion. स्पीड बदल नहीं रहा है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो इट विल मूव इन यूनिफॉर्म मोशन, गोल गोल मूव करेगा, मोशन एग्जिबिट. और अब जब ये गोल गोल मूव करेगा, तो अपने एक केस ले लेते हैं. लेट अस से दैट अ मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर इज प्रेजेंट इन स्पेस इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर, और यहां पे एक चार्ज पार्टिकल विद अ वेलोसिटी वी इज प्रोजेक्टेड, अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल. तो अगर इसका डायरेक्शन अगर ऐसा है, चार्ज पार्टिकल है चार्ज क्यू मास एम, वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर ऐसा है, तो अगर अपने वी क्रॉस बी करें तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऐसा आ रहा है. तो फोर्स ऐसे लगते जाएगा हर बार, और ये पूरा पाथ में मूव करेगा. हर बार वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सीलरेशन वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर.
तो अगर ये मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे, तो इसके ऊपर फोर्स तो लग रहा है क्यू वी बी, एंड दिस इज बैलेंस्ड बाई एम वी स्क्वेयर बाई आर. तो यहां से अपने निकाल लेते हैं दैट द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज एम वी बाई क्यू बी. रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज एम वी बाई क्यू बी. इस इक्वेशन को अपने अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं दैट अगर आर इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी, देन वी कैन से दैट इट इज इक्वल टू मोमेंटम बाई क्यू बी. मोमेंटम कैन बी रिटन एज रूट ओवर टू एम काइनेटिक एनर्जी बाई क्यू बी. काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिटन एज रूट ओवर टू एम क्यू इन टू पोटेंशियल डिफरेंस बाई क्यू बी. तो दीज आर द वेरिएबल्स बाई विच द रेडियस ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड कैन बी रिटन. अगर कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है आर रेडियस पे, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज टू पाई आर, वेलोसिटी वी, टाइम निकाल. तो अगर ऐसा अगर करें तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस टू पाई एम वी बाई क्यू बी बाई टाइम टी. तो टाइम टेकन बाई द पार्टिकल टू मूव इन द सर्कुलर पाथ इज इक्वल टू टू पाई एम बाई क्यू बी. अब ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है. टाइम पीरियड के फॉर्मूला में कहीं पे वेलोसिटी नहीं आया. मतलब सोच करके देखो कि अगर दो अल्फा पार्टिकल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में अगर डाल देते हैं अपने, वन मूविंग विद वेलोसिटी वी एंड अनदर मूविंग विद वेलोसिटी टू वी, तो वी वाला पार्टिकल अगर ये डिफाइन किया है तो टू वी वाला पार्टिकल इससे बड़ा डिफाइन करेगा, लेकिन दोनों सेम टाइम पे वापस इस पॉइंट पे पहुंचेगा. तो दे बोथ विल मूव इन डिफरेंट सर्कल. दोनों का सर्कल, एक का वैल्यू हो जाएगा एम वी बाई क्यू बी, एक का हो जाएगा टू एम वी बाई क्यू बी, लेकिन हर बार सेम टाइम पे वापस वहां पे पहुंचेगा. एवरी टाइम दे विल रीच ओवर देयर एट द सेम टाइम. ठीक है, ये सारा बात समझ में आ गया.